राउरकेला बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम विश्वर सर्वबृहत हॉकी स्टेडियम एकथा को पुणि थरे दोहराइछंति हॉकी इंडिया सभापति दिलीप तिर्की। लाहौर एवं चंडीगढ़ स्टेडियम रे से खेलिछंति, सेठारे चेयर सुविधा नाही। से सबु स्टेडियम गुड़ी करे चेयर पड़िले सीट संख्या कमी जिवो, बहुत छोटो भी लागिवो। दर्शकंक सुविधा दृष्टिरु बिरसा मुंडा स्टेडियम रे चेयर व्यवस्था करा जायछि। बिरसा मुंडा स्टेडियम रे चेयर को काढ़ी देले एहा बहुत बड़ लागिवो। एथिरे 50,000 रु अधिक दर्शक खेल देखिपारे बोली कहते दिलीप। 60,000 वर्ग मीटर परिधि मध्य स्टाडियम रही। स्टाडियम मध्य एकाधिक जिम स्विमिंग पूल रही। स्टाडियम परिसर में 5-star लेवल 225 रूम अच्छी, जहाँ खेला बेस उपयोगी होबोली कहते हॉकी इंडिया सभापति दिलीप तिर्की। हॉकी विश्वकप को मझे मात्र 5 दिन बाकी, जनवरी 13 तारीख रु जनवरी 29 तारीख पर्यंत एथर ओडिशा रे द्वितीय थर पर लगातार हॉकी विश्वकप आयोजन होती। एथर भुवनेश्वर सहित रॉयल क्लब को मध्य सामिल करा जाउछि। तबे आम सहित अच्छा हॉकी इंडिया रा सभापति एवं हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा रा मध्य सभापति डॉक्टर पद्मश्री दिलीप तिर्की। श्रीजुक्त तिर्की, ये गोटे बड़ गर्वर कथा जे विश्वर सर्वबृहत हॉकी स्टेडियम आम ओडिशा रे हॉकी विश्वकप लगातार भाव द्वितीय थर आयोजन करुछि ए ओडिशा, एवं ता सहित गोटे विश्वकप रे दुई दुईटी भेन्यू ये पुणी आमे होस्ट करुछु, आकु केमती संजोग बोली भावुछन्ती आपण? जेतेबेले हॉकी रो सहाय्य दरकार थिला ठीक समय रे ओडिशा सरकार माननीय मुख्यमंत्री सहाय्य करछन्ती। आपण स्पोंसर हिसाब रे आपण भावंतु मेन्स वुमेन्स टीम को सहाय्य करे पर आसिले, तापरे ओलंपिक्स रे टीम ब्रोंज मेडल जीतिले बहुत वर्ष पर। जो वर्ल्ड कप कथा आम कहूँ बैक टू बैक 2018 रे और बर्तमान 2023 रे भुवनेश्वर एवं राउरकेला, एवं जोटा आम कहूँ राउरकेला हॉकी स्टेडियम मो मतरे वर्ल्ड रे सब बेस्ट भेन्यू प्रथम रहिला। स्टेडियम को लागिकी 200 अच्छा आम कही परिबा जे राउरकेला बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम विश्वर सर्वबृहत हॉकी स्टेडियम जदि कहिबा हाँ ताले यार कारण कौन हो पारे? निश्चय मु कहबी बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम विश्वर बृहत स्टेडियम, कहीं कि आम जिते भी हॉकी स्टेडियम रे आम खेलुछु विश्वर, एवं लाहौर रे भी हॉकी स्टेडियम आम खेलुछु, एवं आम चंडीगढ़ हॉकी स्टेडियम आम खेलु से जो आम सीटिंग कैपेसिटी देखा चेयर सहित जो चेयर सहित सीटिंग कैपेसिटी देवा से 20,000 अभव जो अच्छी, जदि आम चेयरटा जदि आम उठेदे तेल आम मो मतलब 45,000-50,000 आम सीटिंग कैपेसिटी बढ़ी जा चेयर सहित प्रॉपर चेयर सहित जदि सीटिंग कैपेसिटी देखा 20,000 अभव स्टेडियम को लगिकी हार्डली 150 मीटर दूर से 225 रूम्स जोटा कि 5-star रूम्स अच्छे खिलाड़ियों पर 150 मीटर दूर से एयरपोर्ट जो कथा कहूँ एयर स्ट्रिप कथा जो कहूँ से हार्डली 700-800 मीटर्स सो एत बेस्ट भेन्यू वर्ल्ड कौटे मिल पारे ता सहित दर्शक से हॉकी रो पागल अच्छा सबकि कह गए संजोग जिते बेले ओडिशा सरकार माननीय मुख्यमंत्री जिते बेले डिक्लेयर कले हॉकी को अडॉप्ट कले अडपसन पर आप देखिपुर कि भाव में हॉकी डेवलप काम बढ़ी बढ़ी चलती, और सहित जब आप टप्रे चली स्टेडियम टप्रे चलिए आप बुल्क देखिए या आप देखा चाहिए फोटोग्राफी करके चाहिए सबू एंगल रु आपको बहुत क्लोजली आप देखिपारे सब एंगल को कवर करेंगे एमती नहीं कि आप गोटे एंगल को छाड़ जाते हैं जो भी बस भी आप बहुत स्मूथली भल भाव आप देखिपर भ्यूटा बहुत सुंदर भाव देखा जाऊँगी। तो ये सब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो बिल्ड हो स्टेडियम बहुत सुंदर भाव रियल मु कहबि कि वर्ल्ड गोटे बहुत भल लोकेशन अच्छी भल गोटे स्टेडियम बृहत स्टेडियम। मोर शेष प्रश्न आ गोटे दुईटी प्रश्न पचारि जे वर्तमान हॉकी विश्वकप पाखापाखि 10 टीम ऑलरेडी आसी सारी आज आसरी दुईट टीम वेल्स आसू जे इंडिया सहित एटी मैच खेल कलिंग स्टेडियम और जर्मनी आसूरा आम कहीपर पाखापाखि समस्त टीम आसी जा
ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରାଉରକେଲାରେ ଖେଳିବେ ସେମାନେ ରାଉରକେଲା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେହେତୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଉଡ଼ୁଛି ତ ସେମାନେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯିବେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଉଡ଼ିବା ବା ଆଜିଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଉରକେଲାର ଦୂରତା କମିଯିବ ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି? ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ହୁଏ ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ ସେଠି ଏୟାରପୋର୍ଟ ରହିବା କଥା ଏବଂ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆଜି ଟେକ୍ ଅଫ୍ ହୋଇକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଛି ରାଉରକେଲାରେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଏଭଳି ଇଭେଣ୍ଟ ସବୁ ହୋଇପାରିବ ଯେଉଁଟାକି ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯେତେ ବି ୟୁଥ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ହକଲେ ମାନେ ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ ନିଜ ଷ୍ଟାର୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଏ ଥିଲେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ସଭାପତି ଏବଂ ହକି ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସଭାପତି। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଟି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ସିଏ ହେଲା ସର୍ବବୃହତ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍। କାହିଁକିନା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ୱାଇଜ୍ ସର୍ବବୃହତ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏତେ ବୃହତ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଯଦି ସିଟ୍ ଉଠାଇଦେବା ବା ଚେୟାର ଉଠାଇଦେବା ତାହେଲେ ଇଏ ସବୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଠୁ ବଳିଯିବ, ସବୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଦେବ ଏବଂ ସର୍ବବୃହତ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ସିଟ୍ ଯେହେତୁ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି, ସିଟ୍ ଉଠାଇଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ସର୍ବବୃହତ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ଲୋକ ବା 50,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ବସି ଖେଳ ଦେଖିପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।